तीन एम्बुलेंस वहाँ पर लगा दिया गया उनका, अब बबल हॉस्पिटल में उनको फोन किए थे। पूरे रहिया भैया अभी घर आए, चार पाँच इसको खोलिए ना। हरी रुपये खोल दीजिए, खोलिए बिहार में कोरोना के चलते स्थिति काफी बुरी है। स्वास्थ्य सेवा का भी बुरा हाल है। जो भी राज्य सरकार के पास संसाधन है वो काफी नहीं पड़ रहे हैं। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। जो भी एम्बुलेंस है वो मनमाने रुपए ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गाँव में दर्जनों एम्बुलेंस पड़े हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पूर्व सांसद ने आज राजीव प्रताप रूडी के गांव शिवान में एम्बुलेंस को जनता को दिखाया और पूरे मामले की जांच की मांग की है। ये फोटो से फोटो लो, यही अभी घर आए चार पाँच इसको खोलिए ना। हाँ खोल भैया, खोल दीजिए, खोलिए अभी रुक जाइए। डिस्टेंस भैया थोड़ा डिस्टेंस खोलिए, खोलो यार, बच्चा खोल, खोलो खोलो, पीछे का फोटो लो, खोलो सब खोलो यार। ए खोलते काहे नहीं, बोले खोलने खोल क्यों नहीं रहा। सब खोलो दैनिक जागरण के पत्रकार हो गया सुरेश सिंह, वो कहे की हम बोले हैं कि रोड़ी जी के विरोध में नहीं दिखेंगे। एक आदमी मेरे साथ नहीं आया, मैं अकेले आया हूं भैया, यहां पे दो बार आया है और लोग बोला भी है कि फंसा देंगे तुमको। हम गुड्डू को नहीं फंसा है, मैं गुड्डू भैया नहीं था। अब इसको हम कहीं भेजे रखे थे, इसको कहे ना भेजे, छह महीने से हम इसको देख रहे हैं। जिला पार्षद जी कहाँ रह गए। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू। एक महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की, मृत और आत्मुग्ध सरकार लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है। सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहां भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहां भेज दिया गया। ये यहां 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है।
सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000-12,000 रुपया एक किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों प्रतिनिधि घर में बैठे हुए।